सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग अपनी अथर 450S के ऊपर होने वाला है। जब मैंने अपनी अथर 450S ली थी तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर अपनी डिटेल वीडियो बनाएंगे जब ये 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर प्लस चले। और आज अपनी अथर ऑलमोस्ट 1020 किलोमीटर चल चुकी है, तो आज पूरी डिटेल में वीडियो बताऊँगा मैं अथर 450S आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके सारे स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। सो बने रही अपने व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अनाउंसमेंट, मैं जब भी कोई नई बाइक या कुछ लेता हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। और अपने साथ एक और बाइक जुड़ चुकी है, उसकी भी डिटेल एक वीडियो आएंगी, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी की आएगी, तो बने रहिए अपने साथ। नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी जो हमने बाइक ली है, तो अपने साथ बने रहिए। सो वीडियो की शुरुआत हम अपने अथर 450S के वॉक अराउंड से करते हैं। तो शुरुआत अपने फ्रंट से करते हैं। इसकी अगर आप हेडलाइट देखोगे तो यहाँ पे इसकी हेडलाइट मिलती है जो कि एलईडी है, और साइड लाइट यहाँ पे दोनों पे मिल जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी एलईडी है। और अगर इसके पीछे की बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट और साइड लाइट दोनों एलईडी है। ब्रेक लाइट ये रही और साइड लाइट यहाँ पर मिलती है नीचे यहाँ पर। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाते हैं, और फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों का साइज़ अगर आप बात करोगे टायर तो सेम ही है साइज़ दोनों के, फ्रंट और रियर। अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें 200 mm की डिस्क ब्रेक मिलती हो, और पीछे वाले में 190 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है आपको इस तरफ, और पीछे में सस्पेंशन मोनोशॉक टाइप मिलते हैं सस्पेंशन। अगर इसकी की लॉक दिखाऊँ मैं आपको, तो इसकी की मैंने जैसे पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, बहुत ही सिंपल की है जो अपनी नॉर्मल एक्टिवा या बाइक में आती है वैसे ही। तो इसको जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है और ऑन ऑफ एंड लॉक ये तीन मिलता है, और फिर सीट लॉक, सीट यहाँ से ही ओपन हो जाती है। अब स्टेयरिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्टेयरिंग में स्विचेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये मोटर यहाँ से स्टार्ट होती है, देन यहाँ से मोड्स चेंज होते हैं। मैं आपको डिस्प्ले चालू करके दिखाऊँगा बाद में। तो ये स्विच से मोड आप चेंज कर सकते हो, ये वाली स्विच रिवर्स या फॉरवर्ड होता है, और ये स्विच पे मोटर ऑन ऑफ हो जाती है। अगर ये स्विच बंद है तो फिर आपकी एथर चालू नहीं होगी, ऑन नहीं होगी मोटर। देन अगर इस तरफ बात करें तो ये हाई बीम लो, देन ये गियर नॉब दिया हुआ है। डिस्प्ले में कुछ अगर फंक्शन करना है तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो, अप डाउन चारों तरफ ये घूमता है। देन ये वाली स्विच ऑलमोस्ट ऑब्वियसली साइड लाइट के लिए, देन ये हॉर्न के लिए। एक बार मैं आपको हॉर्न दिखा देता हूँ चालू करके, अब आते हैं सीधा डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ से जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो सीधा डिस्प्ले अपना चालू हो जाएगा। डिस्प्ले अपना चालू हो चुका है, और आई थिंक थोड़ा फ्लिकर फ्लिकर हो रहा है क्योंकि ये वाइट लाइट की वजह से। और यहाँ पे मोटर ऑफ दिखा रहा है अभी, क्योंकि स्टैंड लगा हुआ और मैंने चालू भी नहीं किया, तो यहाँ पे मोटर ऑफ दिखा रहा है। जैसे मैं स्टैंड उठा के चालू करूँगा वो ऑन हो जाएगा। देन उसके नीचे एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे 4:13 हो चुका है अभी दोपहर का। फिर यहाँ पर जैसे अपनी एथर चलती है तो यहाँ पर स्पीड दिखाता है किलोमीटर पर आवर, देन यहाँ पर रेंज दिखाता है कितनी रेंज अभी बाकी है, और यहाँ पर मोड्स दिखाएगा अलग अलग। और मोड्स चेंज करने के लिए यहाँ से ये वाली स्विच की हेल्प से आप मोड्स चेंज कर सकते हो। अभी जो मेरा मोड है वो स्मार्ट इको में है, और उसको अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चेंज होगा, आप देखना। ये देखिए राइड हो चुका अभी, राइड मोड। देन अगेन दोबारा करता हूँ, ये स्पॉट मोड। एथर 450S में टोटल 4 मोड्स आते हैं, स्पॉट मोड, राइड मोड, इको मोड एंड देन स्मार्ट इको मोड। इको मोड और स्मार्ट इको मोड आपको यहाँ से ये जो नॉब है इसकी हेल्प से आपको यहाँ से चेंज करना रहता है। फिर अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे होम बटन दिया हुआ है, और इसके बाजू में ऑडोमीटर लिखा हुआ है टोटल कितनी चली है। तो अपनी एथर ऑलमोस्ट
1031 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने 1020 बोला था लेकिन 10 किलोमीटर ज़्यादा चली है। और इसके नीचे सेटिंग दिया हुआ है, तो सेटिंग ये सब यहाँ से चेंज होता है नॉब के, नॉब में से। तो अपन देखते हैं अभी एक एक करके। तो सबसे पहले होम, होम में अगर आप इस तरह पर क्लिक करोगे तो करंट राइड आएगी कि करंट राइड आपने कितने किलोमीटर की चलाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो लिख के आएगा। देन ट्रिप मीटर आएगा, मैंने ट्रिप मीटर रिसेट ही नहीं किया जब से ली तब से। फिर से होम कर देते इसको। फिर नीचे सेटिंग में आते हैं, ये अपन सेटिंग में आ चुके हैं। सेटिंग में आपको पहले दिखाएगा यहाँ पे जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो आपका कनेक्ट है कि नहीं वो दिखाएगा, तो अभी अपना कनेक्शन नहीं है। फिर आप राइट में जाओगे तो ऑटो होल्ड आएगा। ऑटो होल्ड मतलब आपकी एक्टिवा, आपकी अथर अगर चलती और स्लोप में खड़ी है तो वो पीछे ऑटोमेटिक पीछे नहीं आएगी, मतलब ये ऑटो होल्ड ऑन होना चाहिए। उसके बाद कोस्टिंग रीजन, ये मुझे पता नहीं है क्या दिया हुआ है। देन फॉल सेफ, अगर आपकी एक्टिवा चलते चलते गिर जाती है तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो ये भी ऑन रखना है। देन स्मार्ट इको, तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट इको चालू करके यहाँ पे देखिए आप ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे स्मार्ट इको दिखा रहा है। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये यहाँ पे इको आ जाएगा। इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हो चुका, यहाँ पे इको दिख रहा है अभी, बट मैं ऑन ही रखता हूँ ये ऑन। देन ऑटो इंडिकेटर, अगर आप साइड लाइट देते हो और तो ये ऑटो इंडिकेटर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएंगे, जैसे आप सीधा फिर करोगे तो वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। देन गाइड मी होम, गाइड मी होम का क्या, इसका क्या मतलब है कि आप अगर अपनी आपकी एथर बंद करके जाते हो तो आपकी जो हेडलाइट है, अंधेरे में आप चाबी लेके निकल जाओगे तो आपकी हेडलाइट 5 या 10 सेकंड उसके बाद भी चालू ही रहेगी, तो आपको गाइड करेगी 5-10 सेकंड के लिए। देन इनकॉग्निटो, इसका भी मुझे पता नहीं है। और लास्ट में ये शायद वर्जन दिया हुआ है अभी कौन सा वर्जन है वो। और बाद में अगर आपको ये शट डाउन पूरा रीसेट मारना है तो आप रीसेट भी मार सकते हो। डिस्प्ले की गाइज अगर बात कर रही है तो हम लोग तो ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो डिस्प्ले अपनी DPU डिस्प्ले और इसकी साइज 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है आपको ये वाली। सीट ओपन करने के लिए गाइज ये चाबी को इस तरफ घुमाना पड़ता है। ये अपनी सीट ओपन हो चुकी है और मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। तो ये देखिए इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है, 22 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। मैंने यहाँ पे ये कॉटन रखा हुआ है और चार्जिंग केबल पड़ा हुआ है मेरा। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपको प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये रहा चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे चार्जर लगा के आप चार्ज कर सकते हो और फिर इसके प्रेस करो फिर से बंद। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 7 से 8 घंटा मिनिमम लेता है 100% चार्ज होने के लिए। अगर आपकी एथर गाइस 100% चार्ज है तो स्पॉट मोड पे आपकी एथर चलेगी 65 किलोमीटर, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। रेंज स्पॉट मोड में 65 किलोमीटर चलेगी, राइड मोड में चलेगी 70 किलोमीटर, देन इको मोड में चलेगी 80 किलोमीटर और स्मार्ट इको मोड में चलेगी 90 किलोमीटर। इसकी बैटरी और अगर मोटर की बात करें तो बैटरी आती है 2.9 किलोवाट और मोटर प्रोड्यूस करती है 22 न्यूटन मीटर, मतलब अच्छी मानी जाती है। सो गाइज, मुझे जितना पता था, मुझे जितना नॉलेज था मैंने उतना बता दिया। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए, श्योर मैं आपको आंसर दूंगा। मैंने पहले भी जितने भी कमेंट्स थे सबके आंसर दिए थे पिछली वीडियो में भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ भी पूछना है पूछिए, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और अब एक छोटी सी राइड लेते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा सीटिंग पोस्चर कैसा है इसका। तो एक छोटी सी राइड लेके फिर वीडियो को एंड करते हैं।
होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए, पूछिए, और अपनी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो अपनी आने वाली है अपनी नई बाइक पे, तो अपनी चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी करवाइए, और ये व्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।